AIMIM अभी सीमांचल में इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, क्या राय है? लोग कहते हैं वोट कटुआ है या फिर एक कौम की राजनीति करते हैं, आपकी क्या राय है? वो सही बात है, कौम की ही राजनीति करते हैं, कौम का राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान को घाटा ही होगा। तेजस्वी यादव है, नौ क्लास फेल है, उसको तो खुद अगर वो राजनीति में नहीं आता तो उसका नौकरी ही नहीं होता, तो वो कैसे नौकरी देंगे लोगों को? आप किसको समर्थन कर रहे हैं? AIMIM जी। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, क्या प्रतिक्रिया रहा? युवा को रोजगार देंगे उससे सहमत है हम। जब आपका जमीनी स्तर मजबूत नहीं होगा तो ऊपरी को लेकर क्या फायदा? आपका जमीनी स्तर को मतलब मजबूत होना चाहिए, पहली बात। गरीब को देखना चाहिए, बेरोजगार को देखना चाहिए, दलित को देखना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। नो क्लास फेल वाला क्या, ये बच्चा जो अभी आपके सामने में बोला, इसको जितना नॉलेज है वो तेजस्वी को नहीं। बीजेपी जीत रहा है यहाँ से, बीजेपी जीत रहा जी, क्या बात है, अच्छा काम किया बीजेपी। नमस्कार, आप HS बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद। ये पूर्णिया का बैसी विधानसभा है और हम और किशन आज यहाँ पहुँचे हैं, आगे पूर्णिया जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि पूर्णिया के बैसी विधानसभा में किसका माहौल है, किसकी लहर है, किसकी आंधी और चुनाव कौन जीत रहा है। लोग यहाँ पर कचौड़ी सब्जी का मजा ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से बैसी विधानसभा में चुनाव कौन जीत रहा है? रुकनुद्दीन जीत रहा है। रुकनुद्दीन किस पार्टी से? AIM पार्टी से। आपको क्या लगता है? वही सेम। आप लोग? सेम जी। कारण क्या है उनके जीतने का? वो एक बार विधायक रह चुका है। किस पार्टी से? वो निर्दलीय से था, काम अच्छा किया था, बीच में उसको 15 साल जो है मौका नहीं मिला, 10 साल, और उसमें अजय दुस्मान जो RJD से था, वो लोगों को डर दिखा करके उस टाइम वोट ले लिया था, लेकिन वो अभी डर नहीं है कि उसको डर देगा वहाँ गठबंधन, ये गठबंधन कुछ, कोई गठबंधन नहीं चलेगा भाई इसमें एकदम रुकनुद्दीन। अभी जो RJD के प्रत्याशी हैं उनसे क्या नाराजगी है? नाराजगी क्या कि ये बाढ़ का पानी जो आया अभी कुछ दिन पहले, मैंने किशनगंज जिला का जो है 4-5 विधानसभा में और पूर्णिया जिला का विधानसभा में बाढ़ पीड़ित वाले को पैसा मिला 6,000 करके, लेकिन हमारे बैसी और अमोर के जनता को नहीं दिया। देगा कैसे, वो बोलेगा तुम ने विधानसभा में? ये बोला ही नहीं। और ना ही 25-20 साल से यहाँ से हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ निजी हॉस्पिटल बनाना अनिवार्य है, यहाँ का जनता को सिर्फ विकास के नाम से वोट दिया था बस। कहाँ पर जाते हैं हॉस्पिटल की जरूरत होती है तो? देखिए, हॉस्पिटल की जरूरत होती है यहाँ, जैसे मतलब कोई अमीर होता है वो तो अपना 5 या 10, हाँ गरीब के लिए वो बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, सही इलाज नहीं किया जाता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, क्या प्रतिक्रिया रहा है? युवा को रोजगार देंगे उससे सहमत है हम। जब आपका जमीनी स्तर मजबूत नहीं होगा तो ऊपरी को लेकर क्या फायदा? आपका जमीनी स्तर को मतलब मजबूत होना चाहिए, पहली बात। गरीब को देखना चाहिए, बेरोजगार को देखना चाहिए, दलित को देखना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। बताइए कुछ कह रहे। नो क्लास फेल वाले क्या, ये बच्चा जो अभी आपके सामने में बोला, इसको जितना नॉलेज है वो तेजस्वी को नहीं है। हालांकि हम लोग का घर के बगल में ही हो, हमारे बैसी पंचायत और बैसी विधानसभा में वो आज अभी आए होंगे, टाइम है, लेकिन हम लोग उसका भाषा सुनने के लिए नहीं आया। हम लोग एक बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनने के लिए यहाँ डगर आया। कब बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भाषण? कब? 1 बजे का प्रोग्राम है। कहाँ पर है? वही में है, मवेशी हाट के बगल में है। अच्छा अच्छा आप बताइए कौन बन रहा है यहाँ का विधायक बैसी का? हम तो गुलाम सरवर को जिता रहे सर। पार्टी? निर्दलीय से। निर्दलीय गुलाम सरवर जी। गुलाम, इससे पहले किसी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं क्या? इससे पहले हम पतंग छा में थे, लेकिन जो है टिकट नहीं मिलने के कारण हम लोग सब मिलकर निर्दलीय से जिता रहे हैं गुलाम सरवर साहब को जिता कर फिर उसको। बैसी में हमको लगता है कि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ आबादी है। कितना प्रतिशत होगा? 80%। अक्सर यहाँ से जो विधायक होते होंगे वो मुसलमान होते होंगे, जिसको भी मुसलमान। अब ओवैसी जी के पार्टी में भी दो कैंडिडेट के बीच में लड़ाई हो गई तो दूसरे निर्दलीय हो गए, मुसलमान है वो लालू जी से कितना ताल्लुक रखता है? ताल्लुक तो था पहले, अभी नहीं रखता है। नीतीश कुमार से था तो उसका कैंडिडेट नहीं है, भाजपा का कैंडिडेट है यहाँ पे। अच्छा, अगर नीतीश के कैंडिडेट होते तब? नीतीश के कैंडिडेट होते तो वोट मिलता, वो भाजपा के साथ है फिर उससे उसको डायरेक्ट नहीं देंगे। डायरेक्ट नहीं देंगे भाजपा को, डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट देते हैं। इस बात से नाराजगी नहीं है कि महागठबंधन के साथ चुनाव जीते फिर भाजपा के साथ? वो किधर जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या पसंद है आपको नीतीश कुमार के बारे में? नहीं, नीतीश कुमार जी तो काम अच्छे किए थे, आपके समाज के लिए, समुदाय, कौम के लिए अच्छा काम किए जी। नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए। क्या अच्छा काम किए? किए थे रोड का अच्छा काम किए हैं, नौकरी के लिए काम किए थे अच्छे।
और पटना से कोई धार्मिक गुरु भी आए इमारत सरिया इदारे सरिया से जुड़े हुए आप लोगों से मिलने बात करने? नहीं, नहीं, नहीं। आप बताइए, आप युवा हैं, आप बैसी के हैं, आपके हिसाब से यहाँ कौन चुनाव जीत रहा है? हाजी सुभान अब्दुल। ये किस पार्टी से है? महागठबंधन से। महागठबंधन से है, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और भाजपा को आप लोग डायरेक्ट वोट नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, और तो महागठबंधन में आपको तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा भा रहे हैं क्या? हाँ। नौकरी का बात कह रहे हैं? हाँ। तो क्या आपको लगता है मिलेगा नौकरी? हाँ मिलेगा, 100%। आप क्या करते हैं? ऐसे तो दुकान में काम करते हैं। हाँ? काम करते हैं। कहाँ? यही बगल में, कपड़े की दुकान। अच्छा, आइए आप लोग आप बताइए चाचा, कौन जीत रहा है चुनाव? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर पार्टी निर्दलीय से जो अलग होकर लड़ रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो तेजस्वी यादव है, नौ क्लास फेल है, उसको तो खुद अगर वो राजनीतिक में नहीं आता तो उसका नौकरी ही नहीं होता। हाँ। तो वो कैसे नौकरी देंगे लोगों को? आप किसको समर्थन कर रहे हैं? AIMIM जी। हम लोग 5 साल से हैं, 2015 से ही थे। गुलाम सरवर को उस टाइम सपोर्ट किए थे हम लोग, लेकिन अभी पार्टी जो है दूसरे को कैंडिडेट दे AIMIM के सही रखने दिन, तो हम लोग उसको वोट दे रहे हैं। और कुछ लोग जो बात करना चाहें, युवा लोग हैं, आइए आगे बताइए। नहीं, आप बताइए कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रहा है यहाँ से। बीजेपी जीत रहा जी है। क्या बात है, अच्छा काम किया बीजेपी। चलिए, ज्यादातर यहाँ जब हमने बात की लोगों से तो ज्यादातर लोगों ने AIMIM या महागठबंधन के प्रत्याशी दिया। आपको क्यों लगता है बीजेपी को जीतना चाहिए? सब अच्छा काम किया है, सारा काम किया बीजेपी, कुछ नहीं किया बीजेपी, सारा काम किया। जदयू नीतीश कुमार तो बीजेपी में ही है ना, उसके बारे में क्या बताना? मतलब बिहार के स्तर पर अगर हम पूछे, बिहार के स्तर में बीजेपी सही है, नीतीश कुमार सही नहीं। यहाँ पे पतंग छाप है, AIMIM है, कांग्रेस राजद है महागठबंधन में, उन लोगों से क्या नाराजगी? नाराजगी है 15 साल से भी RJD है यहाँ पे, तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। जमीनी स्तर पे कोई काम हुआ ही नहीं है। AIMIM भी इस बार मजबूती से लड़ रही है। मजबूती से लड़ रही है, उसका अपना काम है, कर रहा है। पब्लिक का मूवमेंट है, जो होगा पब्लिक बताएगा। अच्छा, एक सर यहाँ पे थे जो बहुत बात कर रहे थे, चले गए। AIMIM से जुड़ी भी कुछ बातें पूछनी, चलिए और लोग से बात करते हैं। चलिए आपसे पूछ ले। नो कमेंट्स, पॉलिटिक्स पे कोई कमेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलिए, हर कोई अभी बहुत लोग बच रहे, पूछे। आपके हिसाब से यहाँ पे कौन चुनाव जीत रहा है? महागठबंधन। कारण? बेरोजगारी, महंगाई। तेजस्वी की बात आपको भाई है? हाँ, तेजस्वी की बात रोजगार पर। हम नौजवान हैं। अच्छा, प्याज 100 रुपया किलो बिकता है। जदयू के बारे में क्या रहा? वो तो महंगाई का, नीतीश कुमार महंगाई उसका भौजाई है। अरे, ये तो तेजस्वी यादव अभी 1-2 दिन पहले बोले हैं किसी रैली में कि महंगाई NDA की भौजाई है। हाँ सर, आपको हम खोज रहे थे। AIMIM को लोग कह रहे हैं कि वोट काट लेती है, फायदा NDA को पहुंचा देती है, क्या ये धारणा क्या है? थोड़ा साफ करिए इसको। आप लोग जानते होंगे कि MP लोकसभा चुनाव के बाद में किशनगंज जो लोकसभा हुआ, ये विधानसभा हुआ उपचुनाव, कमरुल हुदा जो जीते तो कांग्रेस को कहाँ पटा दिए, जमाना जब्त करवा दिए, 25,000 में समेट दिए उसको। और हमारे कमरुल हुदा AIMIM पार्टी से जो 72,000 वोट लेके आए, उसी वही चीज़ होगा यहाँ 22 में कि महागठबंधन का कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा। AIMIM का विधायक, मतलब अब AIMIM जो है वो बिहार में वोट काटने से ज्यादा सीटें भी जीतने लगी है। ठीक है, वोट कटवा भी हमारे सीमांचल में महागठबंधन होगा, महागठबंधन बिहार में। तो देखिए, जैसे NDA है या महागठबंधन है, सरकार तो इन दोनों में से ही किसी की बनने जा रही है। ओवैसी साहब की सरकार तो बनने नहीं जा रही है। आप इनके विधायकों को जिताएंगे तो बिहार का जो राह है विकास का, उससे उस रफ्तार में कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए सर, ये लोग भी जो है तीसरा फंड बना करके 243 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। जितना सीट आ जाए, 40-50-100 मान के चलिए, अगर 50 सीट आता है, अगर इन लोग अगर 60-70-80 आ जाता है तो इन लोगों का महागठबंधन के साथ मिला जुला करके सरकार होगा। अच्छा, महागठबंधन के साथ हम इन लोगों का पार्टी का। ओवैसी साहब के साथ और कौन सी पार्टी लड़ रही है? क्या है, उपेंद्र कुशवाहा है, उसके बाद मायावती जो कुछ क्या गलत बोला तो उसको तो छांट दिया है। उसके बाद वो क्या गलत बोल दी मायावती? पता नहीं, हम नहीं सुने हैं, उतना ध्यान नहीं दिया था। गलत बात है, छाटा नहीं गया, गठबंधन में ही है। अच्छा, नहीं वही बात तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो
कांग्रेस का सीट कम पड़ रहा था, तो वही मायावती का सरकार, मायावती ही सीट ने उसको कांग्रेस को पूरा करके सरकार चला रहा है। तो तुम लोग गलत अफवाह फैला रहे हो। तो खास कारण क्या है कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ पे खड़े होते हैं? भाई साहब क्या है कि काम होता है उसका, हैदराबाद में हम लोग रह चुके हैं, काम बहुत अच्छा काम हुआ है। काम के साथ कौम की भी बात है, आपकी कौम की बातों को बहुत मजबूती से उठाते हैं ओवैसी। देखिए अगर हमारा भाई, सगा भाई अगर कहीं मैंने मेरे साथ में है, अगर कोई हमसे मान के चले कोई झगड़ा कर रहा है, अगर हमको जो झगड़ा को साइड कर देता है, झगड़ा मत करो, या कोई और आदमी अगर हमको मान के चले कोई पीटता है, तो अगर मेरा सगा भाई अगर साथ नहीं देता है, अगर दूसरा भाई अगर साथ देता है, तो वो मेरा भाई हुआ सगा भाई, ये अपना भाई मेरा भाई नहीं हुआ। उसी तरह से जो है NRC के बारे में, CAB के बारे में जो 9 दिसंबर को जो संसद में बिल पेश हो रहा था, तो ओवैसी साहब ही ने उसको विरोध किया था, और हमारे कांग्रेस के जो MP लोग थे, हालांकि पिछले 2014 में 44 MP थे कांग्रेस के, और इस बार जो है उसका जो है 54 विधायक या 52 विधायक MP हुए, लेकिन किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ये आजकल थोड़ा सा ये 14 के बाद से हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि एक धर्म खतरे में है, एक कौम खतरे में है, यहाँ वैसी में हिंदू भी है मुसलमान भी है, सारे लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं, आपकी क्या राय है कि कोई खतरा में है कि सब ठीक है? खतरा में नहीं है, हम लोग जो है ना एक प्रखंड अध्यक्ष है BJP का राजेश मेहता बैसी का, हम लोग एक ही जगह, हम लोग पंचायत का है, वो मुखिया में उड़ता है, तो हम मुखिया में भी उसको साथ देते हैं, BJP को साथ देते हैं। नहीं, वो मुखिया में हम लोग जब 2021 में जो पंचायत वो मुखिया में उड़ते हैं, तो हम लोग उसको साथ भी देते हैं। तो मुखिया में आप BJP के वाले को भी साथ देते हैं? BJP का है तो पार्टी में है ना, ऐसे अभी तो यहाँ पार्टी पोलिटिक्स है नहीं, पार्टी पोलिटिक्स होगा तब कोई बात होगा, ऐसे वो अच्छा आदमी है तो हम लोग वोट देते हैं। चलिए, मतलब बिहार में गंगा जमुनी तहजीब का पूरा, आप जो बोले जैसे साइड होने का, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ तो अभी से आपको कोई नहीं जानता था, तो कैसे मोदी मैंने 282 सीट जीत गया, 282 सीट जीत गए, और 2019 में जो हमारे बिहार में 40 सीट हैं लोकसभा के, और सारे 39 सीट जो है कांग्रेस गठबंधन हार गए, और जहाँ ओवैसी साहब उठा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से यहाँ जीत गए, तो वोट कटवा कौन हो गया? वोट कटवा तो कांग्रेस गठबंधन हो गया ना, महागठबंधन हो गया ना। और लोग हैं साहब, आपके हिसाब से चुनाव कौन जीतेगा? नहीं बात करते, आप बताइए साहब। नहीं, आप लोग स्कूल जाते हैं? अरे बताइए, युवा है बच्चा, शर्मा कह रहे हैं, आप बताइए सर। राजद जीतेगा? राजद जीतेगा, क्यों? वैसे पूरा राजद का लड़ है, वहाँ तेजस्विनी का सरकार बनने जा रहा है, अभी हम दूसरा पार्टी को जिता के भेजेगा तो क्या फायदा होगा आपको? ये भी बात है कि दूसरे पार्टी को जिता कर भेजेंगे क्या फायदा होगा, महागठबंधन को जिताएंगे तो सरकार में शामिल होंगे, भूमिका होगी। AIMIM अभी सीमांचल में इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, क्या राय है? लोग कहते हैं वोट कटुआ है या फिर एक कौम की राजनीति करते हैं, आपकी क्या राय है? वो सही बात है, कौम की ही राजनीति करते हैं, कौम का राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान को घाटा ही होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, ये चर्चा है पूर्णिया के 22वीं विधानसभा में, अक्षय है आपके साथ, किशन है, और हम लोग हर जगह के लोगों की राय ले रहे हैं। वैसी में कहा गया कि मुस्लिम आबादी बहुत है, और एक भाई साहब ने समझाया कि ओवैसी अब वोट कटुआ नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं, सीटें भी जीतने लगे हैं और समाज के साथ खड़े रहते हैं। इस बीच एक प्रचार गाड़ी भी गुजर रही है AIMIM की, स्पीकर लगाकर प्रचार कर रहे हैं। वैसी ग्रामीण इलाका है, किसी युवा ने कहा कि अस्पताल की बहुत ज़रूरत है, तो राजनीति होती है, लोगों की बात होती है, मगर लोगों का हित जो है वो पीछे कहीं छूट जाता है, उसको आगे लाना है, विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, और पूरा बिहार कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़े इस पर फोकस करना है सरकारों को। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, आप HS बिहार के साथ बने रहें, आप सबका और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।